प्रॉब्लम सम्स है, ठीक है। मीनास कार हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड 14,578 किलोमीटर, मतलब मीना की जो कार है उसने कितने किलोमीटर चली है, 14,578 किलोमीटर। शी हैज डिसाइडेड दैट वंस हर कार रन्स फॉर 213,500 किलोमीटर, उसने ऐसा डिसाइड किया था कि जब मेरी कार 213,500 किलोमीटर चल जाए तब वो बेच देगी, शी विल सेल इट एंड बाय अ न्यू कार, तब वो ये कार बेच देगी और नई कार ले लेगी। हाउ मच मोर डिस्टेंस मीना हैज टू ड्राइव इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू कार, अब उसको अगर न्यू कार लेनी हो तो और कितना डिस्टेंस उसे क्लियर करना पड़ेगा, मतलब 213,500 टोटल, उसमें से उसने चलाई कितनी है 14,578, तो जो बाकी है उतना किलोमीटर उसको ट्रैवल करना बाकी रहेगा। यस लेट्स डू इट। किलोमीटर्स ट्रैवल, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है, 14,578, ठीक है। देयरफॉर मोर डिस्टेंस traveled by Meena is equal to that, तो माइनस करेंगे करते।
letters received in 20th century. And letters received in internet era. That is 55,876. Therefore, reduction letters is dash. Let's subtract it. Number 3. Vidya's provident fund account. Provident fund मतलब एक प्रकार एक टाइप का एक सेविंग उसमें है. It is 34,67,856 रुपीस. She withdrew मतलब निकाले. कितने निकाले? 15,15,850 for buying a house. उसे घर खरीदना था इसके लिए. And rupees 1,34,487 for her surgery. इसके surgery के लिए इतने निकाले. How much amount is left in her PF account? अब कितने बचे? Total में से पहले तो घर के लिए लिया था वो निकाल दो. फिर जो answer है उसमें से जो surgery के लिए लिया है वो निकाल दो. You get your answer. So this third question would be your homework. Number 4. A fruits and vegetable wholesaler sold 685,652 kg, 11,46,743 kg, and 1,67,345 kg of vegetables in 3 consecutive weeks. मतलब पहले वीक में इतना, सेकंड वीक में इतना, थर्ड वीक में इतना. How many vegetables did he sell?
सेल ऑल टुगेदर, मतलब तीनों को ऐड कर दो, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक, ऐसे. ओके, सो दिस वुड बी आल्सो योर होम. नाउ 5, 6, 7 and 8 आर रिमेनिंग, दैट विल डू इन अनदर लेक्चर. ओके, टिल देन कंप्लीट योर होमवर्क एंड डू ऑल दीज सम्स इन योर नोटबुक.